देखिए खास मुलाकात डॉक्टर विपिन अग्रवाल प्रिंसिपल अरविंदो कॉलेज दिल्ली से मुख्य संपादक कुलीन गुप्ता के साथ 4, 5 और 6 सितंबर शाम 6:30 पर। साहब टीवी 100 में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कैसे आए एजुकेशन के फील्ड में का? देखिए अगर ईमानदारी से मैं बात करूं तो जो एक मध्यम वर्ग का परिवार का बच्चा होता है उसको अपना गोल बहुत क्लियर नहीं होता है जब वो स्कूल में होता है। तो फिर सबसे पहली जॉब कहाँ से शुरू हुई? तो मेरे को सबसे पहली नौकरी मिली देशबंधु कॉलेज में। सर किस प्रकार के कोर्सेज अरविंदो कॉलेज कराता है? देखिए हमारे यहाँ तीनों स्ट्रीम्स हैं। तो अगर किसी बच्चे को कोई दिल्ली का हो या बाहर का हो वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे तो किस तरीके के मार्क्स उसको आज चाहिए? देखिए अब CUET का एग्जाम होता है ऑल इंडिया बेसिस पर और देश भर की ज्यादातर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने, स्टेट यूनिवर्सिटीज ने, इवन आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में CUET एग्जाम को अडॉप्ट किया है। तो सपोजिंग कोई आदमी 12वीं नहीं करता सीधा CUET का एग्जाम दे देता है? नहीं नहीं, 12th तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। सर काफी समय से आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, क्या कुछ बदलाव देखा है आपने जब से आपने शुरू किया था और तब से आज तक? देखिए उस वक्त ना बच्चा बहुत कैरियर ओरिएंटेड नहीं था, उसको पता नहीं था, जैसे मैंने अपने बारे में भी कहा। आजकल के बच्चों को एजुकेशन में क्या तैयारियां करनी चाहिए? देखिए एक तो ना मेरे को मानना है जो सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप की दुनिया है और जो इस तरह की दुनिया है, इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए थोड़ा सा।